नमस्कार अब खबर है जालौन से। जालौन में प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को मारने के लिए से यमुना नदी में फेंकने जा रहे एक युवक को तीन रागी युवकों ने पकड़ी और महिला की जान बचाई। साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वे महिला की जान बचाने वाले तीन युवकों को पुलिस ने सम्मानित भी किया। मामला कुंठौर थाना क्षेत्र के यमुना नदी के पुल का है। इस पुल पर कानपुर देहात के सिकंदरा थाने के ग्राम खोजा फूल का रहने वाला शफीक अपनी पत्नी मुवीना को यह कहकर घर से ले आया था उसे जलसा दिखाने चल रहा है, लेकिन शफीक उसे जलसा दिखाने के बहाने यमुना नदी के पुल पर ले आया और उसे मारपीट करने लगा। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो बिना शोर मचाने लगी। शोर सुनकर औरैया की तरफ से आ रही पिकअप गाड़ी में तीन सवार लोगों ने गाड़ी रोक ली और उनसे शोर का कारण पूछा तो मुबीना ने पूरी घटना बता दी, जिसके बाद तीनों युवकों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने पीड़िता की तहरीर से मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जालौन से इरफान पठान की स्पेशल रिपोर्ट।